हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान दोनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेजर फॉल्स एंड थ्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भ्रंश तथा छेद। अभी आप विगत दिनों से देख रहे हैं, कई महीनों से भारत में भू हलचलें बढ़ी हैं, अर्थात मध्यम दर्जे के भूकंप, लो से मीडियम रेंज के भूकंप आ रहे हैं। तो यह एक स्वाभाविक तथ्य है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन में आप भाग ले रहे हो, जिस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हो, संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। क्लियर? तो इस पर आप ध्यान दें। तो मैंने क्या किया है कि भारत के मानचित्र पर प्रमुख भ्रंश और छेप, अर्थात मेजर फॉल्ट एंड थ्रस्ट को हमने इंगित कर दिया है, जिस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे आपसे। क्लियर? तो ये फॉल्ट्स जो हैं, अर्थात भ्रंश हैं, या छेप कैसे बनते हैं, तो एक लाइन में अगर जवाब हमें देना है तो टेक्टोनिक मोमेंट के कारण, टेक्टोनिक हलचलों के कारण ये छेप या भ्रंश का निर्माण होता है। अब ये भ्रंशन की प्रक्रिया के डिटेल में अगर हम जाते हैं तो देखो, जो हमारी ये पृथ्वी है, आप देख रहे हैं ये पृथ्वी ग्लोब देख रहे हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यदि हम अवलोकन करें या विश्लेषण करें तो पृथ्वी तीन परतों से बनी हुई है। एक केंद्रीय कोर भाग, जो दो भागों में, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। इसके बाद मेंटल है, तो निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है वह अर्ध तरल मैग्मेटिक भाग है, जिसको हमने नाम दिया है दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। और इसी स्थल मंडल के स्वरूप को या इसके फीचर को, इसकी बाह्य आकृति को ही हम क्या नाम देते हैं, भू आकृति, पृथ्वी की भू आकृति, अर्थात जियो मॉर्फोलॉजी। तो जो जियो मॉर्फोलॉजी है, अगर इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दे तो बेहतर रहेगा। जैसे मैंने कहा कि ये पृथ्वी, पृथ्वी का एक आंतरिक भाग है, ये कोर है, कोर के चारों तरफ ये क्या है मेंटल, और मेंटल के ऊपर ये क्या है आपका क्रस्ट है। अगर इसको थोड़ा सा हम, तो ये वाला भाग जो है ये क्या है, क्रस्ट है, जिसको हम भूपरपटी हिंदी में कहेंगे स्थल मंडल। ये क्या है, मेंटल है, मेंटल। और ये दोनों भाग जो हैं कोर के हैं, क्या है, कोर हैं। अब ये जो मेंटल का बाहरी भाग है, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये अर्ध तरल अवस्था में मैग्नेटिक भाग है, और यहां तापमान लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर तापमान का वेरिएशन हम देखते हैं तो केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहरी कोर का 4300 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेंटल का जो निचला भाग है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो मेंटल का बाहरी भाग जो हमने अभी दिखाया ये रेड कलर से, इसको हम बोलते हैं एस्थिनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, एस्थिनोस्फीयर अर्थात दुर्बलता मंडल। इसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद ये हमारा क्या है, क्रस्ट है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। तो जो ये बाहरी भाग है, स्थल मंडल वाला जो भाग है, इसके ऊपर तैर रहा है। और जैसा कि अभी बताया हमने कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बहुत ज्यादा है, तो जिस भी पिंड में या किसी वस्तु में तापमान ज़्यादा होता है तो ऊष्मागतिक सिद्धांत के नियम, यानी ऊष्मागतिक सिद्धांत के अनुसार
उस तापमान का वो उत्सर्जन करता है, तो पृथ्वी भी वही कर रही है। पृथ्वी लगातार अपनी ऊष्मा का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। यहाँ से ऊष्मा, यहाँ से ऊष्मा, ये क्या हो रही है, बाहर की तरफ उत्सर्जित हो रही है। अब देखो जो ऊष्मा का उत्सर्जन जिस भी रूप में हो रहा है, लेकिन ये अर्ध तरल भाग के बाद जो ये अपना स्थल मंडल है, जो क्रस्टल पार्ट है, ये सॉलिड है, और सॉलिड पार्ट इसको क्या करता है, ऊष्मा को अवरोधित करता है। तो जब अवरोधित करता है तो निश्चय ही जो ये रेड कलर का स्फेरिक पार्ट आपने देखा, यहाँ तापमान औसतन क्या होगा, अनुपातः क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे आप किसी वस्तु को, जैसे गैस बर्नर लिया आप गर्म करते हो, तो इसके ऊपर कुछ नहीं रखते हो बर्नर के ऊपर, तो ये ऊष्मा निकलती चली जाएगी आसानी से। लेकिन जैसे आप इस पर कोई वस्तु रखते हो तो यहाँ का तापमान बढ़ता है, ये गर्म होने लगती है। जैसे घर में रोटी वगैरह बनती है तवा, तो तवा हटा दिया तो वो सीधे निकलेगा, गर्मी महसूस नहीं होगी। लेकिन जब आप तवा रख देते हो बर्नर के ऊपर, गैस बर्नर के ऊपर, तो वो गर्म हो जाता है, रेड हॉट भी हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा रुक रही है। तो वही स्थिति यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऊष्मा रुकी, अब यहाँ से ऊष्मा निकलने का प्रयास की, तो ऊष्मा की अभिव्यक्ति तो पृथ्वी करेगी, तो पृथ्वी अब यहाँ से ऊष्मा निकली, यहाँ से ऊष्मा निकली, यहाँ से ऊष्मा निकली, तो पृथ्वी अपनी भूगर्भिक ऊष्मा की अभिव्यक्ति जो है कई माध्यमों से करती है, जिसमें जो हमें महसूस होते हैं वो ज्वालामुखी और भूकंप हैं। वस्तुतः जो ये ऊष्मा निकल रही है, यही पृथ्वी के आंतरिक बल को विकसित करती है, जिसको हम अंतर्जात बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये जब बल निकलता है, जब ये बल यहां से क्या हुआ, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हुआ, इसके कारण ये पूरा का पूरा जो लिथोस्फेरिक पार्ट है, क्रस्टल पार्ट है, कई भागों में विभाजित हो गया, जिसका स्पष्ट व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में किया गया। किसमें, प्लेट टेक्टोनिक थियरी में। उसमें क्या कहा गया, पृथ्वी का वाहतम भाग भूपरपटी या स्थल मंडल विखंडित अवस्था में है, और विखंडित भाग को कनाडा के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री या भू भौतिक शास्त्री जे टी विल्सन ने प्लेट का नाम दिया, और बाद में अनेक विद्वानों ने बताया कि ये प्लेटें इस दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। तैरने का मुख्य कारण ये है कि जो ये दुर्बल मंडल वाला भाग आप देख रहे हो, स्थनोस्फीयर, इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन बड़ी तीव्रता से हुआ, क्योंकि तापमान बढ़ा, और उसके कारण जो यहाँ मौलिक तत्व थे पृथ्वी के अंदर, इस भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थों में परिवर्तित हो गए। तो यहाँ असीमित मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ विकसित हो चुके हैं, और जो असीमित मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, और ये ऊष्मा संमोहनी तरंगों के रूप में बाहर की ओर निकलने का प्रयास करती है। लेकिन जब संमोहनी तरंग है तो ऊपर जाने के, बाहर निकलने के क्रम में जैसे भूपरपटी के भाग से टकराती है, ऊष्मा को खोती है, थोड़ी शीतल होती है, फिर नीचे की तरफ चलती है, तो इस तरह से बारंबारता बनती है, इस चक्र बनता है जिसको कहते हैं संमोहनी चक्र, कन्वेक्शनल साइकिल बन गई। अब यहाँ जब प्लेट, जब यहाँ से ये ऊष्मा निकलती है, तो इस भाग से यानी लिथोस्फेरिक भाग से टकराने के पश्चात कहीं इनमें अभिसरण गति होती है तो कहीं अपसरण वाली, और अभिसरण और अपसरण गति के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें कहीं अभिसरित होती हैं तो कहीं अपसरित। जहां अभिसरित होती हैं, जहां प्लेटें पास पास आती हैं वहां विनाश होता है, जहां दूर दूर जाती हैं एक दरार बनती है, लेकिन दरार के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में मैग्मा उत्सर्जित होता है और नई क्रस्ट का निर्माण करता है। तो अपसरित होने वाले प्लेटों को हम संरचनात्मक प्लेट किनारों के नाम से जानते हैं, और अभिसरित होने वाली प्लेटों को हम विनाशात्मक प्लेट किनारों के नाम से जानते हैं। वहीं कुछ प्लेटें एक दूसरे के मार्जिन के सहारे सरकती हैं तो उनको संरक्षित प्लेट किनारा कहा जाता है। तो इस प्रकार के हलचल के कारण या भूगर्भिक प्रक्रिया के कारण
भूसतह पर तीन प्रकार के प्लेट किनारों का निर्माण होता है, विनाशात्मक, संरचनात्मक और संरक्षी। तो इन किनारों के सहारे जो बल निकलता उसको अंतर्जात बल कहा गया। फिर भूगर्भ शास्त्रियों ने इन बलों का वर्गीकरण किया। अंतर्जात बलों को पहले दो भागों में बांटा गया, आकस्मिक अंतर्जात बल जो तीव्रता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, दीर्घकालिक या पटल विरूपिणी बल डायस्टॉफिक फोर्स जिसकी प्रतिक्रिया युगों युगों के बाद दिखाई देती है। फिर इन बलों को संचलन के आधार पर दो भागों में बांट दिया, महादेशजनक बल जो लंबवत चलते हैं, फिर पर्वत निर्माणकारी बल जो क्या चलते हैं क्षैतिज, और पर्वत निर्माणकारी बल में दो बल होते हैं जो पास पास आते हैं, अभिसरण होता है तो कंप्रेशनल फोर्स यानी संपीडनात्मक बल। संपीडनात्मक बल से सामान्यतः क्रस्टल बेंडिंग होती है, वलन बनते हैं, वलन से वलित पर्वत बनते हैं, हालांकि वहाँ भी टूट फूट होती है तो भ्रंशन की संभावना होती है। सामान्यतः जब एक दिग्नत वलन बनते हैं मोनोक्लाइनल फोल्ड, वहीं जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं अभिसरण की जगह अपसरण होता है तो उनमें तनाव सहने की एक सीमा होती है, उसके बाद वहां क्रेकिंग होती है, चटकन होता है, फिर उसमें फॉल्टिंग दरार बनती है तो भ्रंश निर्मित हो जाते हैं। तो भ्रंशन की प्रक्रिया के माध्यम से भी पृथ्वी अपनी ऊष्मा की अभिव्यक्ति करती है। तो भ्रंशन जहाँ होता है वहाँ भूकंप की भी संभावनाएं बनती हैं। जब इन भ्रंश के सहारे उष्मा का उत्सर्जन होगा तो कंपन होगा। सामान्यतः ये माना जाता है कि सामान्य प्रकार के भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है तो कंपन मध्यम से कम होगा, लेकिन एक संकल्पना आप जानते होंगे, नहीं तो मैं बता दूं कि अगर जहाँ भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है वहाँ की चट्टाने काफ़ी मजबूत हैं, उनकी तनाव सहने की सीमा बहुत ज़्यादा है जिसको कहा जाता है उनकी प्रत्यास्था इलास्टिसिटी, तो वहाँ टूटने के बाद इलास्टिक रिबाउंड होता है, प्लेटें एक दूसरे की ओर फिर जाती हैं, जैसे रबर को खींचते हो तो अपनी जगह लेने का प्रयास करता है, उसी तरह से जिन चट्टानों की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वो अगर टूट कर इधर जाती है तो फिर आमने सामने सरकती है, तो इस प्रक्रिया को नाम दिया गया इलास्टिक रिबाउंड, प्रत्यास पुनः संचलन। तो जहाँ जहाँ प्रत्यास पुनः संचलन की संभावना होती है या डेफिनेट रूप से होते हैं वहाँ खतरनाक भूकंप आते हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एच एफ रीड ने, जो अमेरिका के थे, इस संदर्भ में बताया कि सैन एड्रियाटिक फॉल्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में, वहाँ कई बार ऐसी प्रक्रिया हुई और 7 से अधिक की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया। इसी प्रकार 1923 में जापान के सगामी घाटी में इलास्टिक रिबाउंड हुआ जिसके कारण 1.5 लाख के आसपास लोग मारे गए। हमारे संदर्भ में भी बताया गया कि प्रायद्वीपीय पठार में भी इलास्टिक रिबाउंड हुआ, जैसे लातूर का भूकंप 30 सितंबर 1993 में आया, 30 सितंबर 1993 30 सितंबर 1993 को, तो उस्मानाबाद लातूर का भूकंप आया, किस भ्रंश के कारण आया वो अभी हम चर्चा करेंगे, जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए। तो इस संदर्भ में जो भूकंपीय घटनाएं अभी बढ़ रही हैं, हो रही हैं, उस संदर्भ में ये टॉपिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो इस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और ऐसे पॉइंट समझ में आ जाएं कि आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन को भी हल कर लें। ठीक, तो हम चलते हैं। ये देखें, ये भारत में प्रमुख भ्रंश और क्षेप हैं। अब देखो, ये पूरा भारतीय भूभाग इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो 7 बड़ी प्लेटें हमारी हैं, महाप्लेटें विश्व में, कौन कौन प्लेट बड़ी प्लेटें, सबसे बड़ी प्लेट कौन है, प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उसके बाद प्रशांत प्लेट, और सबसे बड़ी प्लेट कौन है, प्रशांत प्लेट, उसके बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये 1998 में दो भागों में टूट गई, क्लियर, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट। अभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ भूगर्भ शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वह भी विभाजित हो रही है,
इसके साथ साथ जो अफ्रीकी प्लेट है लगभग विभाजित हो चुकी है सोमालियन प्लेट में और किसमें, अफ्रीकन प्लेट में। जैसे ये आप देख रहे हो तो यहां से ये प्लेट विभाजित हो गई, अफ्रीका की प्लेट यहां से विभाजित हो रही है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यहां से विभाजित होकर कैप्रिकॉन प्लेट के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो 7-8 जो प्लेटें हैं बड़ी हैं, लेकिन अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वाशिंगटन डीसी ने बताया कि अब जो बड़ी प्लेटों की संख्या 15 हो चुकी है, लेकिन उसकी सूचना और कन्फर्मेशन होना बाकी है। वहीं के नासा ने बताया कि छोटी बड़ी जो माइक्रो, छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, माइक्रो प्लेट सहित 100 से अधिक प्लेटें बन चुकी हैं। तो लगातार भू हलचलें बढ़ रही हैं, ये प्रक्रियाएं जारी हैं, ये प्रक्रम जारी हैं, जिसके कारण कंपन हो रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए अप्रैल से लेकर अभी 12-13 जुलाई को मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक लगभग एनसीआर में एनसीआर बोले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 200 कंपन आ चुके हैं। कभी कंपन इसके अतिरिक्त कभी कंपन मिजोरम में हो रहा है, तो कभी कर्नाटक में हो रहा है, तो कभी अरब सागर में हो रहा है, कंपन हो रहे हैं। इसका मतलब कि हलचलें बढ़ रही हैं, लेकिन इस कंपन का परिणाम क्या है? तो भूगर्भ शास्त्रियों ने बोला कि हम लोग भाग्यशाली हैं, जितने भी कंपन हुए 5 से नीचे के, अधिकतम 4.5 का कंपन आया, तो ये क्या है, स्मॉल प्रकार के कंपन है, छोटे कंपन है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो मेजर फॉल्ट आपको दिखाया गया, इससे भी अधिक फॉल्ट हैं। 90 के दशक में और 2000 के प्रथम दशक में सैकड़ों यहाँ फॉल्ट बन चुके हैं। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं छोटे छोटे फॉल्ट या बड़े बड़े फॉल्ट और भ्रंश घाटियों में परिवर्तित हो चुकी है, अर्थात ग्राबेन में, ये सारे छोटे छोटे ग्राबेन बन चुके हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी फॉल्टेज हो चुके हैं, इतनी फॉल्ट बन चुके हैं, भ्रंशन बन चुके हैं, जिससे थोड़ी भी हलचल होती है तो भूगर्भिक ऊर्जा आराम से निकल जाती है। तो 3-4 की तीव्रता का भूकंप आ रहा है तो इससे खतरा नहीं है। अगर यही भ्रंशन की प्रक्रिया सीमित होती, भ्रंश कम होते, तो एनर्जी नहीं निकलती। जब एनर्जी नहीं निकलती तो 1-2 बार में जब एनर्जी निकलती तो भयंकर भूकंप आ सकते थे। जैसे शुरू में बोला ना कि ये प्रेशर कुकर के समान है, अगर प्रेशर कुकर की सीटी आप जाम कर दो तो एक दिन, एक समय वो क्या होगा, कुछ घंटे में या कुछ समय में ब्लास्ट हो जाएगा। वही है, तो ये प्रेशर कुकर के सीटी के समान है, समय समय पर यहां से क्या एनर्जी निकल रही है, तो हल्की फुल्की एनर्जी हो रही है, कंपन हो रहा है, तो सौभाग्य की बात है। क्लियर? अब हमें देखना है, अब देखो जो भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, तो जो फैक्ट पर हम आए, इतने भ्रंश हमारे पास जो मौलिक हैं, प्रमुख, सबसे पहले ये आप देखें, ये जो है नंबर 1, 2, 3 और 4, ये हिमालय क्षेत्र के क्या है, भ्रंश हैं। अब इसमें दो शब्द पहले लिया गया, एक है फाल, दूसरा है थ्रस्ट, भ्रंश और छेप। तो इसमें अंतर थोड़ा मैं आपको समझा दूं। देखो जो सामान्य भ्रंश हैं, जो समान भ्रंशन की प्रक्रिया होती है कि एक प्लेट का एक टुकड़ा टूटकर नीचे चला गया या ऊपर चला गया या समानांतर है और मध्य का भाग अवतलित हो गया तो भ्रंश घाटी बन गई, तो इसको सामान्य भ्रंश बोलते हैं, ठीक। लेकिन जहां व्युत्क्रम भ्रंश बनते, व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है कि पहले टूटता है फिर आमने सामने, तो प्लेट का एक भाग या चट्टान का एक भाग नीचे चला जाता है, छेपित हो जाता है, दूसरा भाग उसके ऊपर चढ़ जाता है और ये लगभग क्षैतिज होते हैं। तो ऐसे भ्रंश को हम क्या कहते हैं, छेप कहते हैं या थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर आप देखें कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे उससे संदर्भ में कौन सा भ्रंश कहां है, कौन सा छेप कहां है, तो सबसे पहले नंबर वन ये आप देख रहे हैं, यहां दिया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय छेप कहां है, तो ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट सिचुएटेड बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय, ध्यान रखें। इसके बाद है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा छेप, मुख्य सीमा छेप, मेन बाउंड्री थ्रस्ट
कहाँ है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, बिटवीन द मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। फिर तीसरे नंबर पर HFF हिमालय, HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयी सीमा ब्रंश, ये शिवालिक हिमालय और महान मैदान के मध्य है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन को मैंने देखा, अक्सर ये पूछे गए हैं। इसके बाद जो ये है इंडस फॉल्ट, इंडस नदी के सहारे आया और चला गया पाकिस्तान तक, और इसी फॉल्ट के सहारे एक इधर से भी फॉल्ट है, तो दोनों को ज्वाइंटली जैसे दे दिया गया सिंधु फॉल्ट या चमन फॉल्ट। ध्यान रखना चमन फॉल्ट, ये चला जाएगा किरथर सुलेमान से होते हुए आगे तक, क्लियर। पांच नंबर पर ये है भूटान से लेकर कहां तक चला गया, अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है चीन की तिब्बत की सीमा से होते हुए, इसका नाम है हैफलोंग फॉल्ट। और आगे जाएं तो ये नंबर छह आ रहा है, ये है नागा थ्रस्ट। यहां देखें नागा थ्रस्ट या नागा फॉल्ट, थ्रस्ट है ये, फॉल्ट या थ्रस्ट दोनों करेंगे। यहां से हिमालय भी अपना अराकान योमा इधर है और इधर हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय। यहां नामचा बरवा चोटी है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। नामचा बरवा चोटी जो तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर है, तो यहां से हिमालय तीक्ष्ण मोड़ का निर्माण करता है, सेंक्टिशियल बेल्ट। तीक्ष्ण हिमालय तीक्ष्ण मोड़ का निर्माण करते हुए दक्षिण की तरफ चलता है और उसी के सहारे ये थ्रस्ट या फॉल्ट आगे जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए यह हिंद महासागर में 90 डिग्री कटक तक जाता है, 90 डिग्री रीच तक। 90 डिग्री जो कटक है हिंद महासागर का सबसे बड़ा कटक है, क्या है? सबसे बड़ा कटक है। इधर ध्यान दें, ये देखो अगर आपको दिख रहा है तो यहां से ये ऐसे चला जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास तक, तो 90 डिग्री कटक पर ये क्या होता है तक जाता है, और ये है नागा थ्रस्ट। 90 डिग्री कटक नाम इसलिए दिया गया, ये लगभग 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे आगे बढ़ रहा है, क्लियर। छह नंबर, सात नंबर को नाम दिया गया मालदा गैप या राजमहल गैप। ये मालदा गैप या राजमहल गैप शब्द दिया गया, लेकिन मालदा गैप या राजमहल भ्रंश के नाम से जाना जा रहा है। इसके सहारे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां प्रवाहित हो रही हैं डेल्टा से, तो गैप नाम दिया गया। तो गैप और दर्रा दो शब्द आते हैं, पहाड़ियों के मध्य का जो अवतलित सपाट भाग होता है यदि उससे नदी प्रवाहित हो रही तो उसे गैप कहते हैं, अगर रास्ता जा रहा है तो दर्रा कहते हैं, ठीक। तो ये बांग्लादेश और अपने पश्चिमी बंगाल से होकर आ रहा है, क्लियर। इसके बाद ये है दामोदर नदी घाटी भ्रंश, जिसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर इसके बाद कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी, और ये सारी ग्राबेन हो चुकी हैं। ग्राबेन शब्द देखो, भ्रंश घाटी को जर्मनी में ग्राबेन कहते हैं, लेकिन कुछ भूगर्भवेत्ताओं का मानना है कि ग्राबेन भ्रंश घाटियों से छोटे होते हैं, क्लियर। तो ये सारी नदियां जैसे आठ नंबर नौ नंबर, ये क्या हो गई दामोदर नदी, महानदी, दस नंबर नर्मदा नदी, ग्यारह नंबर क्या हो गई तापी नदी, पहले नदियों की बात करने तापी नदी, बारह नंबर चंबल के सहारे ये चल रहा है, अभी नाम बताएंगे, लेकिन इनका ये दामोदर नदी भ्रंश, महानदी भ्रंश, तापी नदी भ्रंश, नर्मदा नदी भ्रंश, गोदावरी नदी भ्रंश, कृष्णा नदी भ्रंश और कावेरी नदी भ्रंश। इसके बाद 12 नंबर जो हमारे पास है पश्चिमी सीमांत, इसको कहा गया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। ये कई बार पूछा गया, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग से होते हुए दक्षिणी पूर्वी भाग से होते हुए आगे जा रहा है, सवाई माधोपुर को क्रॉस करते हुए सीमा को लेते हुए ये चला जाएगा नेपाल तक और शिवालिक हिमालय से मिल जाएगा। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इस
इस भ्रंश में और ये जो कच्छ के भ्रंश हैं इनमें हलचलें इस समय बढ़ रही, इस कारण इस क्षेत्र में कंपन महसूस किया जा रहा है। तो 12 नंबर कई बार पूछा गया, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो राजस्थान के पूर्वी भाग से होकर गुजर रहा है। 13 नंबर कक्ष है और ये कैम्बे जो फॉल्ट है ना ये और आगे तक जाएगा ऐसे, कैम्बे फॉल्ट जो है और आगे तक जाएगा। और तो 13 नंबर ये हो गया, 14 नंबर कैम्बे हो गया, 15, 16, 17 आपने कर लिया। इसके बाद देखो 18 नंबर जो फॉल्ट है, यहां ध्यान रखेंगे 18 नंबर ये नया फॉल्ट है। ये फॉल्ट चर्चा में जब आया, जब नेपाल में 26 अप्रैल 2015 को एक खतरनाक भूकंप आया, शायद आपको महसूस भी हुआ होगा, 3-4 दिनों तक हलचलें दोपहर के बाद चलती रहीं, लेकिन 26 अप्रैल 2015 को बहुत जबरदस्त कंपन हुआ, लगभग 7 की तीव्रता का भूकंप आया जिसमें बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी और अपनी प्लेट कई फीट आगे चली गई थी। तो वहाँ एक फॉल्ट बना 18 नंबर फॉल्ट का नाम है महेंद्र हाईवे फॉल्ट। ये न्यूएस्ट फॉल्ट है, ध्यान रखना, महेंद्र हाईवे फॉल्ट। कई बार ये आपसे पूछा जा सकता है कि महेंद्र हाईवे फॉल्ट कहाँ है, कब बना, कैसे बना, तो भू हलचल हुई तो 26 अप्रैल 2015 को नेपाल का जो भूकंप आया उस दौरान नेपाल में ये निर्मित हुआ या बना, क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ कई फॉल्टरीज हैं, फॉल्टरीज मतलब छोटे छोटे भ्रंशिकाएं हैं, ये पूरे अपने पश्चिमी राजस्थान के मैदान में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ इधर जो अपना बाड़मेर सांचौर बेसिन है यहाँ भी कई भ्रंश है, इसके बाद इधर भी भ्रंश जाते हैं जो इससे मिल जाते हैं। तो अनेक भ्रंशिकाएं विकसित हैं और इनसे एनर्जी निकल रही है, तो खतरा नहीं है क्योंकि भ्रंशिकाएं हैं, तो थोड़ा भी अगर नीचे से भू हलचलों का दबाव पड़ेगा बल का, तो वो बल उष्मा के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा, तो हल्के फुल्के कंपन होंगे, क्लियर। अब देखो जैसे भ्रंशन की प्रक्रिया हुई तो ये दो फॉल्ट आप देख रहे हो, एक फॉल्ट ये है और दूसरा जो फॉल्ट है ये, तो ये जो फॉल्ट है कोयना फॉल्ट है। इस संदर्भ में हमारे यहां के दो भूभौतिक शास्त्रियों जनार्दन जीन योगी और एन ब्रह्मन रेड्डी ने बताया कि कोयना भ्रंश और ये जो आपका फॉल्ट दिख रहा है 20 नंबर, ये 20 नंबर फॉल्ट का नाम रखा गया कुर्दुवादी भ्रंश। तो कोयना भ्रंश 60 के दशक से पहले ही निर्मित हो चुका था और ये नासिक से लेकर कर्नाटक के कालाडगी तक, कहाँ तक, नासिक से लेकर कर्नाटक के कालाडगी तक लगभग 540 किलोमीटर की लंबाई में है। जब इसके अंदर जैसे बोला था इलास्टिक रिबाउंड हुआ तो 1960 के दशक में खतरनाक भूकंप कोयना के आसपास दर्ज किए गए। ठीक उसी तरह से जो 93 का भारत का जो खतरनाक भूकंप आया, एक तो 2001 का कहाँ कक्ष का भूकंप जो इन भ्रंशनों के हलचल के कारण हुआ था जब अपनी प्लेट टूटी थी, और यहाँ पर जो ये 1993 में सितंबर 30 को जो भूकंप आया 7 की तीव्रता से ऊपर का भूकंप था जिसको कह जाते हैं लातूर का भूकंप, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो कुर्दुवादी भ्रंश हमने लिखा है, कुर्दुवादी भ्रंश ये पुणे से शुरू होकर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास तक है, सोलापुर, और ये कुर्दुवादी सोलापुर की एक छोटा सा टाउन है, तहसील के रूप में है, उसके नाम पर रखा गया, वहाँ तक जाता है। तो कुर्दुवादी भ्रंश में जब ये भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही थी और यहाँ छोटे मोटे क्या हैं डैम्स भी हैं जिसमें क्या वाटर का दबाव भी, डैम बोले तो बांध, तो उनके कारण जब ये भ्रंशन की प्रक्रिया हुई तो 30 सितंबर को सुबह लगभग 2 से 3 बजे के बीच, लगभग 3 बजे के आसपास की प्रक्रिया है सुबह मॉर्निंग में, बहुत तेज इलास्टिक रिबाउंड हुआ, कहने में जब प्लेट टूटी तो ये जो चट्टानी भाग है आमने सामने सरके, तो सरकने के बाद यहाँ तीव्र कंपन हुआ, कहाँ पर, यहाँ पर अति तीव्र कंपन हुआ। जब अति तीव्र कंपन हुआ तो यहाँ पर लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तीन भ्रंशन की प्रक्रियाओं, ये भ्रंशन की प्रक्रिया
एक महत्वपूर्ण भूगर्भिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है, थोड़ा नॉलेज भी रहे तो अच्छा है। तो इस तरह से ये भ्रंश हैं, इनको आप क्या करेंगे, अपने मैप पर बना भी सकते हो, इस रिकॉर्डिंग को रख भी सकते हो, इनका नाम आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब जैसे एक बार और हम बता दें आपको, मुख्य केंद्रीय छेप कहाँ है, महान हिमालय मध्य हिमालय के मध्य, मुख्य केंद्रीय छेप बने मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ है, मुख्य सॉरी महान हिमालय मध्य हिमालय के मध्य, इसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहाँ पर है, शिवालिक हिमालय और महान मैदान के मध्य, इंडस फॉल्ट कहाँ है, तो इंडस नदी के सहारे, और इसी का भाग है कौन सा है, चमन फॉल्ट, फिर पांचवा हैफलांग फॉल्ट कहाँ है, तो अरुणाचल से कहाँ तक, भूटान तक, देख रहे हैं। नागा थ्रस्ट कहाँ तक चला गया, हिंद महासागर में 90 डिग्री कटक तक, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्या है आपका, मालदा गैप फॉल्ट या राजमहल गैप फॉल्ट। 8 नंबर क्या है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी है जो ग्राबेन के रूप में है, ये महानदी। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्या है, नर्मदा नदी फॉल्ट। 11 नंबर क्या है, तापी नदी फॉल्ट। और 12 नंबर क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। 14 नंबर कैम्बे फॉल्ट। 13 नंबर क्या है, कच्छ फॉल्ट। इसके बाद आगे 15 नंबर कृष्णा फॉल्ट सॉरी गोदावरी फॉल्ट। 16 नंबर क्या है, कृष्णा फॉल्ट। 17 नंबर क्या है आपका, कावेरी फॉल्ट। 18 नंबर महेंद्र हाईवे फॉल्ट। इसके बाद 19 नंबर कोयना फॉल्ट। 20 नंबर क्या है आपका, कुर्दुवादी फॉल्ट। राजस्थान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर रामगढ़ फॉल्ट और कनोई फॉल्ट, ये वाला जो है, हिंदी में मैं नोट कर रहा हूं, रामगढ़ फॉल्ट, ठीक, और ये है कानोई, कानोई फॉल्ट जो बाड़मेर सांचौर बेसिन से पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक, और इधर वाला जो जा रहा है इधर यहां तक नहीं आएगा, इस फॉल्ट से ही मिलेगा, ये है फतेहगढ़, क्या है, फतेहगढ़ फॉल्ट या भ्रंश। तो ध्यान रखेंगे, ये जो बच्चे आप आरपीएससी के एग्जाम जो दे रहे हैं, तो रामगढ़ फॉल्ट यहीं से, जो कैम्बे फॉल्ट से ये चला गया बाड़मेर सांचौर बेसिन की तरफ, कानोई फॉल्ट भी है और फतेहगढ़ फॉल्ट इधर उदयपुर की तरफ जाता है और चंबल से मिल जाता है फतेहगढ़ भ्रंश। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, इस एरिया में, कहने का मतलब जो ये फॉल्ट है, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि ये क्षेत्र इस समय काफी सक्रिय है, ये वाला क्षेत्र काफी सक्रिय है, इस कारण एनसीआर के साथ साथ इन क्षेत्रों में क्या है, एक दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद कंपन हो रहे हैं, क्लियर। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये भ्रंश आप क्या करोगे, एक तरह से इसको नोट कर लें, या आपके पास होगा और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की दृष्टि से काफी लाभकारी होगा, ठीक, ओके, थैंक।